इंस्पायर की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है द अध्ययन स्कूल, शताब्दी नगर, मेरठ। नमस्कार, मैं विजेता और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट टीवी। लॉकडाउन की अवधि 3 मई तक करने के तुरंत बाद ही कांग्रेस ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साध दिया है। पीएम ने नागरिकों से 7 अपील की थी तो कांग्रेस ने भी उन पर 7 ही सवाल दाग दिए हैं। कांग्रेस ने कोरोना टेस्ट की धीमी रफ्तार पर चिंता जताते हुए सवाल खड़ा किया है। आइए बताते हैं वे 7 सवाल कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जो किए हैं। पहला सवाल, कोरोना की रोकथाम का एकमात्र रास्ता है टेस्टिंग। 1 फरवरी से 13 अप्रैल 2020 तक यानी 72 दिन में देश में केवल 217,554 कोरोना टेस्ट हुए। औसत 3,021 टेस्ट प्रतिदिन है। टेस्ट कई गुना बढ़ाने की योजना कब होगी? दूसरा सवाल यह है कि कोरोना के खिलाफ अग्रिम पंक्ति के योद्धा डॉक्टर, नर्स, स्वास्थ्यकर्मी, पुलिसकर्मी, सफाई कर्मी हैं। इनके लिए अब तक N95 मास्क और PPI की जबरदस्त कमी है। इस मसले पर आपकी चुप्पे क्यों? यह सुरक्षा कवच कब उपलब्ध होगा? तीसरा सवाल, पलायन कर चुके करोड़ों मजदूर आज रोजगार रोटी के संकट से जूझ रहे हैं। इस संवेदनशील व मानवीय मसले पर आपका एक्शन प्लान क्या है? चौथा सवाल जो कांग्रेस नेता ने किया वह है कि लाखों एकड़ गेहूं रबी की फसलें कटाई के लिए तैयार है, लेकिन इंतजाम क्यों नहीं है? समय पर कटाई और MSP पर फसल खरीद सुनिश्चित करने को लेकर आप चुप क्यों हैं? देश का अन्नदाता और खेती आपकी प्राथमिक सूची से बाहर क्यों है? पांचवा सवाल यह है कि कोरोना से पहले ही देश का युवा अभूतपूर्व बेरोजगारी से जूझ रहा था। अब बेरोजगारी छटनी, नौकरियां जाने के डर विकराल रूप से ले रही है। आपकी COVID-19 इकोनॉमी रिकवरी टास्क फोर्स कहां गायब है? करोड़ों युवा कहां जाए? छठा सवाल जो मनीष तिवारी ने किया वह यह है कि देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ दुकानदार, लघु और मध्यम उद्योग आज चौपट होने की कगार पर है। खेती के बाद सबसे अधिक रोजगार इन्हीं क्षेत्रों में है। इन्हें वापस पटरी पर लाने व आर्थिक मदद के बारे में आपकी क्या एक्शन प्लान है? पूरी दुनिया ने कोरोना से पैदा हुए आर्थिक संकट से पार पाने हेतु करोड़ों अरबों रुपए के आर्थिक पैकेज लागू किए हैं। इस सूची में आपकी सरकार आखिरी पायदान पे क्यों है? नियत और नीति की ये कमी देश को भारी पड़ सकती है। ये सारे सवाल कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने केंद्र सरकार से की है। मनीष तिवारी ने प्रधानमंत्री के लॉकडाउन बढ़ाने के फैसले का तो समर्थन किया, लेकिन PM के 7 अपीलों को अपने 7 सवालों के घेरे में कर दिया है। अब देखना यह है कि केंद्र सरकार इन सवालों के जवाब कब और कैसे देती है। इस खबर में इतना ही। देखते रहिए फर्स्ट बाइट टीवी।